फाइनली शादी मंदिर घुस गए हैं। हम एक औरत है जो एक पत्र से कहते हैं आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, यहाँ से अपना पूरा स्टॉक लेके जाऊंगी। यहाँ से हट, यहाँ से हट, इतनी गंदी स्मेल आ रही है यार। है बाबू का नाम करूंगा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई 3000 किलोमीटर हम आए हैं बहुत ही स्पेशल काम करने आप लोगों के लिए, पर रास्ते में ना मुझे एक शादी दिख गई है। तो मेरा दिल है शादी देख के आने का। हम खाए पिए हैं कुछ नहीं, पर अंदर का देख के आते हैं माहौल कैसा है, क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि पेट तो हमने भर लिया है, पर मैं ना यहाँ का कल्चर देखना चाहती हूँ इनके यहाँ शादी, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी वही धूम धड़ाका बैंड बजा है। यहाँ पे बड़ी शांति की शादी है। चले चले, फाइनली शादी मंदिर घुस गए हैं और यहाँ पे हमें एक दो हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। तो अभी हम दूल्हा दुल्हन से मिलने वाले हैं। वेलकम, थैंक यू, वेलकम। कोई कर नहीं रहा था ना वेलकम। चलो एक मिनट, खुद का ही लगा इनको, हम तो ऐसे आ जाएंगे कोई ना। चलो ना, अंकल बैठे थे तो मैंने सबसे पहले उनको बोला नमस्ते नमस्ते। मैंने कहा अंकल शादी में जाओ इशारे में, क्योंकि उनको आती नहीं थी, फिर उन्होंने ऐसे गड़ा जाओ। मैं ओके, वो खा रहे हैं ना जैसे आप कह रहे थे कल पत्तल में, यही तो मुझे खाना था। हाँ अभी लगवा देंगे, मैं दूल्हा दुल्हन से मिल जाऊंगा। ठीक है चलो। तो भाई यहाँ पर ना बहुत ही रंगीन माहौल है और दूल्हा दुल्हन वहाँ पे है, तो मुझे पता नहीं है दूल्हा दुल्हन को क्या गिफ्ट देते हैं। भाई से पूछ लेते हैं क्या गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट पैसा, पैसा पैसे दे सकते हैं। वही वहाँ पर दूल्हा दुल्हन है, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। पुनीत नाम इनका, पुनीत। चलो वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि ये कौन आ गए, वो भी मैं जानते नहीं है ना। कोई बात नहीं, पहचान जाएंगे कल जब वीडियो आएगी ना, ब्लॉग आएगा, पूरा कर्नाटक देखेगा तब जान जाएंगे। चलो मैं नमस्ते कर रही हूँ, जाना। नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन। शादी देखी तो हमने बोला कि हमने कर्नाटक की शादी देखनी, इसलिए हम आ गए। थैंक यू सो मच। भाई हमारे भाई की शादी है और बस खुश रहें और जिंदगी में आगे बढ़े। क्या करते हो आप? वर्क करते हैं। इनका नाम है कीर्तना। तुम वाड़ेकम कह रही थी, वो कह रही वाड़ेकम तमिल में होता है। नमस्कार, कर्नाटका में नमस्ते क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं। अच्छा सही है, कुछ और बोलना पड़ता है। बैठोगे? मैं उनको बोल रही थी पीछे थी, मैंने कहा हम एक ही प्लेट में खाएंगे, तो मेरे को इधर देख के चले गए। इतने लोग है ना, इतना गोल्ड पहना हुआ सबने, मतलब मुझे लगता है चोरी वोरी नहीं होती है ना यहाँ पे। बेटा साउथ में ना गोल्ड जो होता है ना, एक तो येलो होता है, बहुत प्योर होता है, और सब यहाँ पे गोल्ड पहनने की शौकीन है। जितनी भी लेडीज है देखो, हमने पहने हुए। कल तो हम डर रहे थे, चेन है वो भी। कल से बोल रहे थे ना, छोटा केला भी मिलेगा। तो भाई यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। देख लो इसके ऊपर ना ये सफेद कागज बिछा दिया, कोई भी धूल मिट्टी ना हो ना। यही रह गया था कि हमें ना पत्ते में खाना खाना है, और खाना आ गया है। बिस्लेरी की बड़ी बोतल आ गई है। ओनली सिंगल पत्ता, वी आर वन लेडी, टू लीटर वन पत्ता। इनमें बोल सकती है, समझ आती है। ठीक है, हम एक औरत है जो एक ही पत्ते से खाती है। हम दो औरत है जो एक पत्ते से खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा धोएंगे। अच्छा, ये ना ये जो प्रक्रिया है ना, ये हमें भाई ने बताया। भाई का नाम है शरण यादव। अगर शरण यादव नहीं होते तो हम अंदर नहीं आते, खाना नहीं खा रहे, क्योंकि उन्होंने पहचाना हमको। सभी धो रहे हैं अभी, सभी धो रहे हैं। हाँ तो हम अकेले थोड़ी इतने धोएंगे, अभी सूखेगा खाना, फिर तो पूरी गीली हो जाएगी। पर गीला खाना खाएंगे हैं बेटा, ये सोचा नहीं मैंने। अगर हम इसे पूरी रखेंगे गीली नहीं हो जाएगी? ऐसे कुछ नहीं है, ज्यादा मैं ही सोचती हूँ लगता है इस घर में, ये इनको सोचना नहीं आता। ये क्या है? नमक, स्वाद अनुसार अपना आप नमक डालना। नमक स्वाद। ये क्या हो गया? साबुदाना खीर। साबुदाना खीर। ये क्या है? कितना नहीं खाएंगे। अब सब्जी और रोटी दे दो हमें, तो नमक आ गया हमारे पास। अब ये नहीं लिया तुमने, ये क्या है? चटनी है, चटनी। चटनी है। ये क्या है भैया? डाल दो। क्या चाहिए? ये है क्या? खाने का वो? ये तो मुझे भी पता है, क्या भी नहीं होता है। लो लो, डालो डालो। हाँ ये कौन सी क्या भी नहीं? चैपुनी। क्या भी नहीं? कैबिनी। कैबिनी। बेलपुड़ी आई है। बेलपुड़ी। बेलपुड़ी ये तो खाएगा। छोले। छोले ऑल आर वेज ना भैया? ये देसी चीजें है ना। ये जलपुनी। सुपु। सुपु नमक नहीं, सुपु। अरे इसका वो होता होगा पालक। पालक, पालक जैसे। ये बेलपुड़ी है। पुड़ी 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 पुड़ी। एक दो तीन, एक बस। ये क्या है? मिक्स वेज। मिक्स वेज।
गिला बहुत सारी मिला के सब्जी। अच्छा ये केले 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 बनाना केले की जो रहस्य है ना वो ये है, ये यहाँ का फेवरेट है। सीधा पेड़ से आया है। दो लेना ये नहीं मैं नहीं ये दो मैसूर पाक मैसूर पाक ये का फेमस लो मैसूर किला मैसूर पाक वन मंथ। अच्छा अच्छा मजेदार है। तो यहाँ पे चीकू होता ना बड़ा खुश होता है क्योंकि चीकू का फेवरेट है बनाना, उसे बहुत पसंद है और ये छोटे छोटे केले देख के ना बड़ा खुश होता है। लेते जाएंगे यहाँ से दुबा को भी खिलाएंगे केले। क्या चाहिए अभी? सांबर राइस। वाह ईट या इल्ले 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 क्या होता है? पहले मैंने इल्ले सुना अभी समझ नहीं आ रहा। इल्ले अच्छा नहीं इल्ले का मतलब क्या होता है भैया? इल्ले का मतलब क्या होता है? इल्ले का मतलब ये होता है मतलब अच्छा इधर आओ। अच्छा अब हम आप क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा? टिंकू भाई इल्ले भाई देखो इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच सबका जितने लोग भी हैं। देखो हम तो बिना बुलाया आए थे फिर भी इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने। और जो सारे बिल्कुल सामने खड़े हैं एक एक चीज पूछ रहे हैं, चावल लोग खड़े सब खड़े हैं। किसी कहते हैं रिस्पेक्ट सत्कार प्यार, यहाँ के लोगों में ना बहुत ज्यादा प्यार है और एकता है और ये सबको अपना समझते हैं। ये खा के देख बहुत अच्छे मैसूर पाक वैसी है अच्छी है पत्ती से जैसी सही बोला। बच्चा आया कह रहा एक्सक्यूज मी योर पेन, मैंने कहा माय पेन तो नहीं है मेरे पास तो फिंगर टिप का पेन है, बट कोई बात नहीं प्यार से दिया तो रख लेती बच्चे ने दिया। ओके बेटा थैंक यू। वो दूसरा था भाभी। अच्छा दोनों भाई थे ये जुड़वा है। अच्छा तो भाई यहाँ पे हमने आइसक्रीम ले लिया, बहुत ही स्वाद है। मैंगो छोर है मैंगो वाली आइसक्रीम। बड़े दिन बाद दांतों पर आइसक्रीम लगी। लोग हमें देख रहे हैं आराम को बिना बुलाए आगे। खाना भी खा रहे हो आइसक्रीम आइसक्रीम भी खा रहे। चलो भाई जिस काम के लिए अब हम आए थे ना वहाँ लेके चलता हूँ आपको, ठीक है ना? और स्पेशली वो आपके लिए जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, हमारी माता है बहने आदमी जिन जिनके सिर पे बाल है सब लोग, मतलब ये लगा लो कि जिनके बाल कम है जिनके बाल झड़ रहे हैं सारी आज जो सोल्यूशन है आपको दिखाएंगे लाइव। चलो चलते हैं। तो गाइस पायल के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ वहाँ से। पायल ने केले खाए नहीं थे तो मैं दो केले ले आई हूँ, मैंने रखवाए थे, मैंने कहा मैं बाद में खा लूं। पायल यार ये काम करेंगे एक दर्जन ना केला ज्यादा यान तूबर चीकू के ले चलेंगे, अगर वहाँ एयरपोर्ट से मिलेंगे तो लेके जाएंगे, अगर बाहर से लेके जाएंगे तो पिसमिस जाएंगे। चल ठीक है। तो गाइस अभी मेरी ना बात हो रही थी यहाँ पे, भाई जो हमें मिले थे यूपी से थे वो पहचाने थे हमें, और मैंने बोला कितना खर्चा आ गया शादी पे, कह रहे 2 से 2.5 लाख रुपए में सब निपट जाता है। और मतलब ना तो शोर ना शराबा ना गाने चल रहे थे, बहुत ही प्यारी सी शादी थी, कमाल की शादी थी। और उसके साथ साथ हमारे वहाँ 2-2.5 लाख रुपए तो डेकोरेशन वाला ले जाते हैं, वो भी कम पड़ते हैं डेकोरेशन के लिए। हमारे हरियाणा साइड ना 2-2.5 लाख में हो जाती है शादी, यहाँ पे ना लड़के को दहेज नहीं देना पड़ता। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब यहाँ पे जो लड़कियां ना बहुत ही पैसिफिक, जैसे कि होता है ना कि सामने वाला काम धंधे वाला अच्छा सा हो पूरा घर बार देख के शादी होती है, लव मैरिज -1% होती है। अरेंज मैरिज होती है। चलो ठीक है देखो शादी होनी चाहिए चाहे लव हो चाहे अरेंज। I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पर ये बनता है। डायरेक्टली हम लोग वहाँ पर आ गए हैं सारी चीजें देखने के लिए कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ डाली जाती है ताकि तो आपके बाल इतने ज्यादा घने हो जाते हैं कि वो झड़ते बिल्कुल भी नहीं। और तो मैं पहले ना आपको ना ये वाले भाई साहब से मिलवाता हूँ, बाल देखो कितने लंबे हैं। भाई साहब इधर आ जाओ। तो ये है हमारे बड़े भाई और ये बाल देख लो क्या करते थे कि बाल बढ़वा के काट के सेल करते थे। तो अब क्या ना बिजनेस बहुत लॉन्ग हो जाता था कि एक आदमी को 1 साल लगते थे बाल बढ़ाने में, फिर ये सेल करते थे कम ज्यादा पैसे मिलते थे। फिर उन्होंने सोचा जिस ऑयल से हम बाल बढ़ा रहे हम क्यों ना वो ऑयल सेल करना शुरू कर। तो इनका खानदानी बिजनेस ये लगा लो कम से कम 100 साल पुराना, दादा महादा से ये ऑयल बनाते थे। ऑयल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑयल ये वाला है और बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको देंगे और उसके साथ साथ ये कहाँ बनता है वो भी आपको दिखाने वाले। तो गाइस एक्चुअली क्या ना ऑनलाइन आदिवासी हेयर ऑयल बहुत सारी साइट से मिलता है, पर मैं आपको बता देती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मैंने एक बार ऑर्डर किया था और मेरे पास उस बॉटल में सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं आया। तो मतलब बहुत सारी फेक साइट्स बनी हुई है जहाँ से दावा करते हैं कि ये ऑयल आपके पास पहुंचेगा, तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। अगर आपको ऑयल चाहिए आदिवासी तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जेन्युइन ऑयल यही गांव जो है पूरा बनाता है। इस गांव का मेन काम ही है कि ये इस ऑयल को बनाते हैं। तो गाइस ये वाला जो ऑयल है ना सबसे ज्यादा ना मतलब मैं यूज करूंगी क्योंकि आपको सबको
पता है कि मेरे जो बाल है ना बहुत ज्यादा छोटे हैं, ये लगा लो जितना मेरे कंधे है मेरे बाल उतने हैं। तो आज से मैं ये तेल लगाऊंगी। और पायल ने लगाना स्टार्ट कर दिया था, पायल के जो हेयर फॉल है ना इतनी ज्यादा हद तक खत्म हो चुकी है ये ऑयल। तो हमारे यहाँ आने का रीजन यही था कि जो हमारी ऑडियंस है ना उनके पास ना केमिकल ना पहुंचे, उनके पास ना यही ऑयल पहुंचे। और सारी फैमिली मैं आपसे मिलवा देता हूँ, आप किसी के भी बाल देख लो, हमारी बहन है भाई हमारे, आप थोड़े से बाल दिखाओ देखो। लोगों को ये ना लगे कि नकली बाल है, तो बिल्कुल भी नकली बाल नहीं है, बिल्कुल असली बाल है। देखो और इतनी अच्छी क्वालिटी है बालों की, सच में इतने थिक हेयर है, जैसे मेरे तो बहुत ज्यादा पतले बाल है, तो ये जो बाल है ना ये बाल भी ठीक। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी हॉट सीट पे बैठ गई और तेल लगवा रही हूँ। पहले काम करती हूँ, मैं तुझे देख लेती, तू मुझे देख ले। एक काम करो, आप हमें देख लो और मैं तेल लगाना रोज। यहाँ कैंची बाउल नहीं है, देखो। दो तीन ढक्कन बाउल में लेने का, बालों को स्कैल्प पे ऐसे स्कैल्प पे लेने का, उंगली दुबा को ऐसे स्कैल्प पे लगाने का, ऐसे दो तीन ढक्कन लेको, इसे स्कैल्प पे लगाना। स्कैल्प पे रात में लगाओ, सुबह वॉश कर सकते। स्कैल्प से इसको लिए कंटिन्यू 5 दिन लगाओ, 5 दिन के बाद हफ्ते में 2 बार ऐसे लगाओ, ऐसे मसाज कर। तो हफ्ते में 2 बार आप ये लगा रहे हो, देखो यहाँ पे पायल भी लगवा रहे हो। तो मेरा मकसद यही था जो हमारी ऑडियंस है ना उस तक ये ऑर्गेनिक तेल पहुँचे, इसलिए हम यहाँ पे आए। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. तो भाई यहाँ पे मेरे को तेल लगा दिया और समझाया, स्पेशली 2-3 बार समझाया कि इसको रूट में लगाना है, पहले 5 दिन लगाना है, उसके बाद इसको हफ्ते में 2 बार लगाना है। और मैं तो भाई अपना यहाँ से अपना पूरा स्टॉक लेके जाऊंगी और कंटिन्यू तेल लगाऊंगी। तो ये थोड़ा से बात भी नहीं चलेगा मेरे, तो हफ्ते देखो आप, ठीक है जी, बिल्कुल पूरा रुका। तो ये बाल निकले मेरे। तो गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर गोलू बाल के आपको बाल बढ़ते दिखे, वीडियो उठा लेना 4-5 महीने पुरानी, यानी अभी की वीडियो उठा लो और 4-5 महीने बाद उठा लेना, अगर इनके बाल बढ़ रहे हैं तो हम यही ऑयल यूज कर। तो गाइस ये तेल ना गोलू ने अभी सिर पे लगाया, तो गोलू कह रही ना इसकी ना बिल्कुल भी प्रेगनेंस नहीं है, मतलब सिर पे चढ़ जाते ना कुछ तेल। हाँ। जैसे बहुत सारे तेल है जिसकी जैसे कोई ना करता है तीखी तीखी जी स्मेल सी होती है, तो बीच में एक ऑयल में यूज कर रही थी तो चीकू पापा के साथ होती थी, वो बोलते यहाँ से हट, यहाँ से हट, इतनी गंदी स्मेल आ रही है यार। हाँ, पर इस वाले तेल से नहीं आ रही। इस तेल में ना मैं बताती हूँ कैसी खुशबू आ रही है, इस तेल में जैसे नारियल के तेल की जो खुशबू होती है ना वो आ रही है। भाई इस तेल की कोई खास बात बताओ। सर खास बात यही है सर, ये 108 जड़ी बूटी से तेल है सर, 1 साल से बच्चे तक से छोड़ के 100 साल को भी लगा सकता है सर। ठीक है, कोई दिक्कत साइड इफेक्ट वाला नहीं है सर, प्योर नेचुरल तेल है सर। देख सही जानकारी ले सर, सही प्रोडक्ट ले, सही यूज करो, सही काम करेगा सर। ओके, मेरा नाम लेके दुनिया शुरू उतरेगा सर, मेरा नंबर हाउस भी बता दूंगा सर। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, इनके जितने भी नंबर है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके इनको कॉल करना, वीडियो कॉल करना और अपना ऑर्डर प्लेस करना। और हमारा भी जो मेहनत हमने यहाँ तक आने में की है ना, हमारी मेहनत भी सफल हो जाती। अगर हमें ऐड करनी होती ना तो ये ऐड हम घर बैठ के भी ऑयल दिखा के कर सकते थे, पर हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि जैसे गोलू पाल के बाल अब थोड़े से खराब हो गए हैं, बढ़ाने हैं, तो हम यहाँ हैं कि जैसे गोलू पाल हमारी फैमिली है वैसे आप भी हमारी फैमिली हो। आप तक पहुँचाने का ये मकसद यही है कि आप ऑर्डर करें, प्लेस करें और इनका जितना भी स्टॉक है सारा खत्म कर दो। मैं तो यही बोलूंगी, इंसान सब कुछ खरीद सकता है, पैसे सब कुछ शॉपिंग कर लेता है, अपनी मनचाही चीजें ले लेता है, पर जो बाल होते हैं ना वो जो है ना खुद के होना और खुद के लंबे बाल घने बाल होना तो उसका मजा एक अलग ही बात है। बिल्कुल सही बात है, फिर तो वैसे भी झड़ने बंद हो गए, बस बढ़ने बाकी है। आपको पता है मेरा बाल बढ़ जाते हैं, पर सही चीज मुझे मिल गई ना आप जल्दी बढ़ जाएंगे, तेरे बाल तो यहाँ तक हो जाएंगे कुछ टाइम में। तो गाइस इसी के साथ अलविदा करते हैं, हम जा रहे हैं होटल और भाइयों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर फ्यूचर में वहाँ तो साथ में काम करेंगे और मैं प्रमोट करूँगा और मुझसे भी आपको ऑयल मिलने वाला है समय के बाद, कुछ टाइम के बाद, पहले हम यूज करेंगे रिजल्ट के बाद इनसे मैन्युफैक्चर कराएंगे और हम खुद सेल करेंगे। ठीक है भाई सर, मेरा नाम सुदेश करके सर। हाँ। हम तो खुद से आदिवासी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखो हमें तो ईमानदार लोग चाहिए और चीजों में रिजल्ट अच्छा हो, तो ये मैन्युफैक्चर यही करेंगे, सेल हम भी करेंगे। ठीक है भाई जी जी, हम वादा करते हैं जी सर। ओके, तो अभी अभी मैं एक दीदी से मिली ना, इन्होंने जुड़ा क्यों था, मैंने कहा आप ऑयल नहीं लगाते, कह रहे दीदी हम ऑयल लगाते हैं, मेरे बाल इतने लंबे थे मैंने ना बाल ना बेच दिए, क्योंकि देखो सबका अपना अपना काम होता है। इस बॉटल पे इनकी फोटो ऑलरेडी लगी हुई, इतने लंबे बाल थे इनके, इन्होंने बाल अपने बेच दिए। तो अभी मैंने बोला ये कितने महीने के बाल है, कह रही 2 महीने के। मैंने कहा आप ऐसे कैंची से कट करते हो, कहते नहीं हम पूरा जड़ से ब्लेड शेव करते हैं। और अभी 2 महीने के बाल देख लो भाई, 2 महीने के बाल भी बहुत है, बहुत ही ज्यादा ये 2 महीने के। मैंने बोला मैं कब तक हो जाएंगे आपके बाल यहाँ तक, दोबारा 8 महीने
में दोबारा इतने लंबी हो जाएगी। मुझे लग रहा है मेरा सपना पूरा होने वाला है, जैसे मैंने चीकू की चोटी की थी ना, अब इन्हीं तेल लगा लगा के ना मैं भी अपने बाल बढ़ाऊंगा और देखता हूँ कितने दिन में रिजल्ट आने वाला। मेरे तो बड़ा बहुत बढ़िया लगोगे आप ऐसे केजरीवाल वाले बाल, ऐसे पीछे चोटी है आगे दाढ़ी है, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Guys, अभी finally पहुँचे हैं भैया हम हमारे होटल के बाहर, और यहाँ पे हमारे अंकल जी पान बना रहे, बहुत ही अच्छा सा। तो एक गुंडी पान बनवा लेते, पायल भी खा लेगी मैं भी खा लूं। पायल का फेवरेट है गुंडी पान। और क्या, जो हमारे अंकल जी इनका सेटअप बहुत ही कमाल का है, छोटा सा पान वान सब कुछ रेडी रखे हुए। गुंडी पान में सोचा मैं खा के देख ही लेता हूँ कैसा रहेगा। चेस, तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो। और भाई जो मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया आप जरूर ट्राई करना। देखो हमारे जो 3000 किलोमीटर जब आए हैं ना वो चीजें सफल हो जाएंगी। और नमस्ते, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राम राम।